आत्मा नाम जी, मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ सर, प्रणाम जी। नमस्कार। मैंने देखा कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं जी। जी और के गुप्ता जी के ग्रुप में भी आप हैं हाँ, हम उनके ग्रुप में हैं। जी। आपको हमारा चिंतन और प्रयास दोनों ही कैसे लगे? आपका चिंतन और प्रयास सर दोनों ही सराहनीय है। उस पर हम बार बार हम उस पर जब सुनते हैं, अध्ययन करते हैं। आपको नहीं लगता है कि हम इस देश को बड़ी आसानी से गुलामों के नियम कानूनों की आत्मा को बदलते हुए अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने के साथ साथ चार बहुत बड़े मौलिक अधिकार दे सकेंगे, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा और निजता प्राइवेसी का मौलिक अधिकार होगा, और इस पूरे मौलिक अधिकार को देने में भारत सरकार की जेब से एक पैसा खर्च नहीं हो, बल्कि इसमें राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा और भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा धन पैदा करना हो तो रोजगार का मौलिक अधिकार दे दीजिए। और सर इजाजत हो तो मैं कार्य विकार कर लूं, जिससे कि कुछ बातें जो हैं तो आ जाएंगी। सारी बातों को मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि आपके विचार इस तरह के हैं कि जिस पर हम लिखना चाहते हैं। जरूर आप रिकॉर्ड करिए, जरूर आप रिकॉर्ड करिए जी। और दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हमारे जो विचार हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक ऊर्जा है जी। हमारे ना रहने पर भी ये ऊर्जा अपना काम करेगी जी सर, क्योंकि हम सभी लोग चिर निंद्रा में सोए हुए हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम में से जो विद्वान हैं, विवेकशील हैं जी, वो भी सही मायने में अपने विवेक का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने चीजों में उलझ गए हैं कि उन्हें अपने आसपास के इकोसिस्टम को बदलने का सोच और चिंतन ही उनके दिमाग में नहीं आता है। सही सर, मैं कई बार ये सोचता हूँ, आत्मानंद जी आप मुझे बताइए कि एक छोटी सी बात हम लोगों के जेहन में पिछले 77 वर्षों से क्यों नहीं आई, और हम लोगों के वोट से जो सरकार चुनी जा रही है उस यह हमारी मांग की पहली शर्त क्यों नहीं होती है? हमारे ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जी, भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए न्याय का ढकोसला करते हुए बरसों बरस जो है उत्पीड़ित करते हुए न्याय से वंचित रखने के लिए। तो अपन जो भी कोर्ट कचहरी और जो ये ड्रामा कर रहे हैं ये आपको न्याय देने के लिए नहीं है, बल्कि बरसों बरस उलझाते हुए न्याय से वंचित रखने की एक मैकेनिज्म है। इस बात से आत्मा राम जी आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं सहमत हूँ पूर्ण रूप से कि आज हम 77 वर्षों से उसी धरे पे चल रहे हैं, उन्हीं चीजों को ढो रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है जिनकी आज जरूरत है। आज समय की मांग है कि उन पे बदलाव लाया जाए। नहीं, लेकिन अतवनाम जी आपको लगता है कि जो ये पार्टी तंत्र है जो हमारे ऊपर बैठ गया है, इसने कहीं ना कहीं हमसे प्रजातंत्र ही छुड़ा लिया है? मैं बार बार सोचता हूँ तो प्रजातंत्र की एक ही डेफिनेशन आती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। क्या हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं या पार्टी तंत्र में रह रहे हैं, जिसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी फॉर द पार्टी बाय द पार्टी, और ये पार्टियां का काम हमारा हित साधना नहीं है, वह अपने लाभ के लिए हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है
कि ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं और हमारे लोग बहकावे में आकर आज अपराधी लोग दारू बांटने का, पैसे बांटने का, साड़ी बांटने का अपराध करके अपने आप को जो है स्थापित कर पा रहे हैं और हमारे वोटों के से जीतने के बावजूद भी वो हमें रिप्रेजेंट ना करके पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टी भिप से बंधे हुए बेहद ही जी कहना चाहिए कि बहुत ही हाशिए पर बैठे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमारे बोर्ड से एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन वो पार्टी हाई कमान से बंधे हुए पूरी तरह से मजबूर व्यक्ति हैं और ना अपना भला करने की स्थिति में, ना समाज का।